गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे वुमेन एंड लॉ के बारे में। ठीक, वुमेन एंड लॉ के बारे में हमने क्या चर्चा की थी पिछली क्लास में, उसको हमने अच्छे से समझा था। आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। ठीक, क्या चर्चा करेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। कहने का मतलब होता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस का अर्थ पहले हम समझते हैं क्या है, फिर इसके लिए क्यों प्रावधान बनाया गया, एक्ट बनाने की क्या आवश्यकता थी, किन चीज़ों के किन कारणों के लिए एक्ट बनाया गया, फिर इसके प्रावधानों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब आप जब समझते हैं, जैसे कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, 354 सब क्लॉज ए, ठीक, जो 2013 के अमेंडमेंट आईपीसी में जोड़ा गया, तो उसमें क्या बताया गया सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, 2012-13 में आया। ठीक है, उसके बाद ही एक एक्ट, इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या होता है वास्तव में। ठीक, ये तो हमने देखा था, लेकिन क्या वास्तव में इसके पहले इसे कुछ हुआ था। ठीक है, इसके पहले हम देखते हैं महिलाओं का संबंध, पहले इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। जहाँ पर जब धीरे धीरे देश प्रगतिशील होने लगा, ठीक, आवश्यकता धीरे धीरे वस्तुओं को व्यक्तियों की बढ़ने लगी, देश में हर व्यक्ति देश को विकसित करने में जब समाज के हर व्यक्ति का योगदान होने लगा, तो इसमें महिलाओं का भी काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा दिया, देश को प्रगतिशील बनाने में, अपने परिवार को चलाने में, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने में, अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को, हर दृश्य से महिलाएँ जब इस क्षेत्र में अपने आने लगी, कार्य क्षेत्र में आने लगी, तो हमने देखा कि उनके साथ अनेक प्रकार से ऐसे हरासमेंट भी किए जाते हैं। कई बार ऐसे किया जाता है क्या, उन्हें परेशान किया जाता है, ठीक है, उनकी नौकरियां छीन ली जाती हैं, उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं एक घटना सबके सामने आती है अधिकतर, वो सेक्सुअल हरासमेंट की। कहने का मतलब समाज में देखेंगे जब व्यक्ति की सोच बदलने लगती है, जब व्यक्ति की सोच बुरी हो जाती है, तो क्या करते हैं, साथ में काम करने वाले औरतों के साथ, महिलाओं के साथ क्या करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। ठीक, सेक्सुअल हरासमेंट के तौर में सेक्सुअल मिसयूज करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में देखने के लिए तो हमने एक इस क्लास के स्टार्ट में बहुत पहले पढ़ा था सीडा के रूप में, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द ऑल डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म ऑन द वुमेन। ठीक है, ये जो 1989 का जो था, इसमें एक आर्टिकल 11 था जो ये बताता था जहाँ पर महिलाएं नौकरी करती हैं उस जगह पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, कार्यों में हर व्यक्ति की समानता होना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को एक साथ काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए और वहां पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस संबंध में क्या होता है, हमने सीडा को देखा, सीडा में ऐसा प्रावधान किया गया था, फिर हम देखते हैं एक केस आया। ठीक है, सीडा में तो आ गया, लेकिन इसके मामले में एक केस आता है विशाखा, ठीक, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कौन सा था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कब का था, 1927 का। इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, केस था क्या, इसमें कौन कौन सी गाइडलाइंस दी गई। ठीक है, ये केस 1992 में एक भावरे देवी थी, ठीक है, जो बच्चों को चाइल्ड मैरिज के लिए प्रोविडेंट कराने के लिए एक एनजीओ में काम करती थी। ठीक है, क्या करती थी, नाम उनका भावरे देवी था, वो क्या करती थी, वो बाल विवाह को रोकने के लिए काम करती थी राजस्थान में। ठीक है, तो वहाँ के रहने वाले समाज में रहने वाले आस रहने वाले लोगों को भी बहुत बुरा लगा। ठीक, तो उन्हें क्या किया, जहाँ पर वो काम कर रहे थे उनके साथ रेप किया गया। ठीक है, रेप किया गया। अब बात आती है जब रेप हो जाने के बाद, तो एक विशाखा नाम की एनजीओ थी, उस पर केस सुप्रीम कोर्ट पर फाइल किया गया। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या क्रिमिनल में आए, किसी को पढ़ा नहीं है, हमने ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की, किसके संबंध में, जहाँ महिलाएं काम करेंगी वहाँ पर कौन कौन सी परिस्थितियाँ, कैसे माहौल बनाया जाना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए कौन, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए गाइडलाइन इशू की। ठीक है, किस किस में, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन इशू की, क्या क्या उसके संबंध में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बहुत बेहतरीन बातें की, उन्होंने क्या कहा, सबसे पहला
जहां महिलाएं काम करती हैं वहां पर एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, अपने राइट्स का, ठीक, अपना जो कहते हैं जो एम्प्लॉयर होता है उसकी एक ड्यूटी होनी चाहिए कि वहां पर जहां पर वो महिलाएं काम कर रही हैं वहां पर उनका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, ठीक। सबसे पहले कोई भी एम्प्लॉयर की यह ड्यूटी होगी जहां पर महिलाएं काम कर रही होंगी वहां पर कोई सेक्सुअल क्या होगा, हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा। और क्या था, जहां पर महिलाएं काम कर रही होंगी यानी वर्किंग वुमेन जहां होंगी वहां पर इसके संबंध में एक नोटिस बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, एक नोटिस बोर्ड बनाया जाएगा जहां पर यह चीज बता दी जाएगी यहां पर मतलब क्या होता है, कौन कौन इसके में कंप्लेंट कर सकता है, कहां कंप्लेंट कर सकता है, क्या चीज़ होगी, यानी कि मैनेजर या एम्प्लॉयर की यह ड्यूटी होगी मालिक की कि वहां पर एक नोटिस बोर्ड बनाए वहां पर यह पूरी तरह से प्रदर्शित करेंगे यहां पर ये चीज़ें नहीं होती, यहां काम पे ये सब नहीं किया जाता, एक नोटिस में सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब। तो हम गाइडलाइंस को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट के, ठीक है, के निवारण हेतु एक डायरेक्शन की डिस्प्ले पर चिपकाना चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो हर एक व्यक्ति जनसाधारण उसे समझ सके, पब्लिक उसे समझा जा सके, ठीक है। और क्या अगला क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या गाइडलाइन थी, यदि कोई व्यक्ति, ठीक, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्या करते हुए, सेक्सुअल हरासमेंट करते हुए कोई पकड़ा जाता है व्यक्ति उसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ वर्किंग प्लेस में जब महिलाएं काम करती हैं वहां पर उनके ऊपर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होनी चाहिए जो सेक्सुअल हरासमेंट करता है, ठीक है। और क्या गाइडलाइन थी, एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें, ठीक, एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें एक कमेटी में महिलाएं सदस्य हों और वह इन सब संबंधित कोई जो बात आता है या बातें आती हैं तो उस पर वो इंक्वायरी करे और उस पर एक ठोस रिपोर्ट तैयार करे जिससे पता चल सके क्या वहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और हर एक परिस्थितियों में हर एक पक्ष को सुनवाई का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक, केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के रोकथाम के लिए क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे, समय समय नियम, ठीक है, नियम बनाएंगे, ठीक, बात समझ में आई, और बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होंगी, राजस्थान में कौन गाइडलाइन थी कि जहाँ पर एम्प्लॉयर होंगे वहाँ पे कोई जहाँ पर महिलाएं काम कर रही होंगी प्लेस पर वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। और एक वहाँ पे नोटिस लगाई जाएगी यहाँ पर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होता है, ठीक, कोई डायरेक्शन दिया जाएगा कि ऐसे ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक। और कौन सी चीज़ें हुई, और बताया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में महिलाएं ही मेम्बर्स होंगी और उस पर एक इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, ठीक, तमाम ऐसी चीज़ें कही गई। अब हम देखते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट को क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या चीजें उन्होंने की। अब जो 354 सब क्लॉज इसमें वन में जो बताई गई थी वही चीजें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वही चीजें इसी को मानकर उसमें जोड़ दिया गया, जैसे कि कोई फिजिकल टच करता है, ठीक है, या सेक्सुअल के लिए कोई फिजिकल टच करता है या ऐसे करने का अटेम्प्ट करता है, ठीक, और क्या करता है, कोई डिमांड करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए डिमांड करता है, टच करता है या सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए डिमांड करता है, ठीक है, ऐसे इसमें ये सब किसमें आ जाएंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट में मानी जाएगी। और क्या माना जाएगा, कोई सेक्सुअल कमेंट करता है, ठीक है, अश्लील टिप्पणी करता है, तो ये सब क्या माना जाएगा, सर सेक्सुअल हैरेसमेंट में माना जाएगा, ठीक है, या कोई पोर्नोग्राफी दिखाने का प्रयास करता है, ठीक, ये सब चीज़ें इसमें मानी जाएंगी, या कोई ऐसा कंडक्ट करता है जो क्या है इनमोरल, सेक्सुअल इनमोरल, ऐसे प्रकार से कोई भी चीज़ें करेंगी तो ऐसी परिस्थितियों में क्या माना जाएगा, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा, ठीक। तो इसी परिस्थितियों में देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की संसद ने एक एक्ट बनाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडक्शन,
2013 एक्ट बनाया गया था। एक्ट के बारे में जानते हैं क्या, इस एक्ट में क्या कहा गया, सेक्सुअल हरासमेंट कामकाज में नए जहां महिलाएं काम करती हैं ऐसी परिस्थितियों में जब किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो क्या किया जाएगा, पेनल्टी दी जाएगा। पहली बात तो होने नहीं दिया जाएगा, वो प्रोसीजर प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है, नहीं प्रिवेंट किया जाएगा यानी कि उसे सुरक्षित किया जाएगा, महिलाओं को जहाँ पर वो काम कर रहे हैं पूरी तरह से सुरक्षित हो और क्या हो प्रोटेक्ट किया जाएगा, या प्रकार का रोका जाएगा। और वो मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो वो कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे इस एक्ट के बारे में पूरी तरह से बताया गया, ठीक है। तो आज हम एक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, एक्ट में क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक। अब सेक्शन 2A में क्या बताया गया है समझते हैं। कहने का मतलब कौन महिला, ऐसी कौन सी महिला होगी जो अग्रैंड मतलब कौन सी किसके ऊपर, जिसके ऊपर महिला में किसी एज को नहीं डिफाइन किया गया है, कोई महिला जहाँ पर वो काम करती है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो किसी प्रकार की महिला हो उसमें शामिल की जाएगी, ठीक है। जो कथित महिला होगी वो किसी भी उम्र की हो जैसे भी हो हर प्रकार की महिला होकर एज इसमें डिफाइन नहीं किया गया, ठीक। 2N में है और क्या बताया गया है, 2N में क्या बताया गया है, सेक्सुअल प्रयास नहीं करेगा, ठीक है, कोई सेक्सुअल अब्यूजिव कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, और कोई अन्य प्रकार ऐसा कंडक्ट नहीं करेगा जिससे सेक्सुअल इंडिकेशन जाता है, ये चीजें सेक्सुअल हरासमेंट होती है, ठीक है, ठीक। हम आगे की डिफरेंशन समझते हैं क्या चीज की गई है। अब 2O में वर्किंग प्लेस को बताया गया है, 2O में हम ध्यान समझते हैं वर्किंग प्लेस किसे बनाया गया है, कहाँ कहाँ पर महिलाएं काम करेंगी, जैसे कि दिशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, इसमें क्यों बताया था, काम काज में बताया जहाँ पर सरकारी जगह काम करती हूँ, जहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसमें क्या किया गया, इस एक्ट में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को शामिल किया गया, जहाँ पर ऑर्गेनाइज हो यानी कि सरकारी जगह पर, प्राइवेट जगह पर दोनों महिलाएं जहाँ पर काम करेंगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैसे कोई केसेस होंगे, ठीक। कौन देखो किसके देखो सबसे पहले हरासमेंट किसका किया जाएगा, किसी वुमन का, तो हमने वुमन की परिभाषा समझी 2A में एग्रीड वुमन का, ठीक है, एग्रीड वुमन का, ठीक। हमने सोचा फिर हमने समझा कि क्या किया जाएगा उनके साथ, महिला के साथ क्या किया जाएगा, 2M में हमने देखा सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, तुमने देखा कौन कौन से सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, ठीक, कैसे क्या सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। फिर हम देखें 2O में वर्किंग प्लेस यानी कि कहाँ काम कर सकती है, जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ काम करेंगी वहाँ पे कौन सा ऐसा स्थान होगा जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट किया जा सकता है, तो कौन कौन सा स्थान होगा वो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी सरकारी स्थान, ठीक है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट और सिस्टम जहाँ पर सरकारी कर्मचारी काम करते होते हैं, ठीक। सबसे पहले जहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, सबसे पहले क्या आएगा, कोई भी सरकारी संस्था, सरकारी संस्था जहाँ पर महिलाएं काम कर सकती हैं, सरकारी कर्मचारी हर जगह जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर महिलाएं सरकारी रूप में भर्ती होती हैं वो हर जगह उसमें शामिल होंगे,
चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, जहाँ पर भी महिलाएं काम कर सकती हूँ, हर एक प्लेस को सरकारी प्लेस में शामिल किया गया। प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया गया, जहाँ पर महिलाएं करेंगी, चाहे सरकार द्वारा चाहे प्राप्त हो रहा हो धन नहीं, प्राइवेट होता है जो अपने संघ पर जो चलाते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे चीज़ें पे जहाँ महिलाएं काम कर रही होंगी, वहीं भी वर्किंग प्लेस माना जाएगा उस वर्किंग वुमेन का, ठीक। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, और उसमें शामिल की गई हैं कोई हॉस्पिटल और नर्सिंग की, जितने भी स्कूल होंगे, चाहे वो हमें रेजिडेंस होता है वो भी उसके साथ मिल जाएगा, जहाँ पर आवासीय में आवास रहकर कोई महिलाएं ट्रेनिंग करती हैं, रहती हैं, सकती हैं, वहाँ पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो भी उसी के अंदर शामिल किया हुआ माना जाएगा, ठीक। बात क्या समझ आई, सेक्सुअल हरासमेंट स्पोर्ट के समझ में, ठीक है, कोई स्टेडियम होता है और आपने कई बार देखा होगा कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर यात्राओं का समय काम करती है, जैसे ट्रेन में हो गया, हवाई जहाज में हो गया, यानी कि यात्राओं में जगह जहाँ पर काम कर रही होंगी वहाँ पर भी उनका वर्किंग प्लेस माना जाएगा, जर्नी के तौर पर जहाँ कर रही होगा और जर्नी के तौर पर उन्हें वर्किंग प्लेस माना जाएगा। हाउस जहाँ पर घर पर कोई मेड काम करती है, कोई बाई काम करती है, वो हाउस भी उसका वर्किंग प्लेस माना जाएगा, ठीक। ये वर्किंग प्लेस हमने समझा कौन कौन सा वर्किंग प्लेस होता है, सबके वर्किंग प्लेस होते हैं, कौन होता है, सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान और हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम और स्पोर्ट, इसमें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम आ जाएगा, चाहे वो स्टेडियम में रहे तैयारी करते हैं या बाहर तैयारी करते हैं, आवासीय, ठीक है, वो सब चीज़ें मानी जाएंगी। और कोई यात्रा के समय कोई जहाँ पर महिलाएं काम करती है वो भी उनका वर्किंग प्लेस माना जाएगा, और जहाँ मेडिकल रूम में जहाँ हाउस के रूम में काम करती है वो भी उनका वर्किंग प्लेस माना जाएगा, ठीक। तीन चीज़ें हमने समझी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कौन से दिए गए हैं, सेक्शन 3 में बताया गया है कौन कौन से प्रिवेंशन है, ठीक। सबसे पहली बात, प्रिवेंशन ऐसी जगह पर काम करेगी जहां पर काम करेगी वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात क्या होगी, जहां पर वो काम करेंगी वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक। दूसरी बात क्या कहा गया है, एम्प्लॉयड, ठीक, पहले नो सेक्सुअल हैरेसमेंट, एम्प्लॉयड एक्सप्लॉयड यानी किसी तरह कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट संबंध में कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, कहने का मतलब जहां पर कोई महिलाएं काम कर रही होंगी वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया जाएगा जिससे इन फ्यूचर में काम कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा सकता है। अब यही एम्प्लॉयड और इन फ्यूचर यानी कि क्या है, कोई ऐसी भी कोई जैसे मान लीजिए फ्यूचर में किसी महिला को रखते हैं अपने नौकरी पर, उसमें भी ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं किया जाएगा ताकि उनके साथ कोई सेक्सुअल ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट ना किया जा सके, बात समझ में आई, ठीक है। और
इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से प्रोटीन किया जाएगा महिला के समय में, करता है ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। तो आज हमने क्या क्या समझा, हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब समझा, ठीक है, एग्रेड वुमेन समझा, महिला के साथ क्या क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है समझा, हमने इनका सब समझा। अगली क्लास सेक्शन 4 से चालू करेंगे, आप ध्यान से आज अगली क्लास में हम लोग आइएगा, सेक्शन 4 के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।